नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन और मैं हूं अंकिता। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात। 11 अकबर रोड पर हुई दोनों की मुलाकात। प्रशांत किशोर और भूपेंद्र यादव भी रहे साथ। सीटों के शेयरिंग को लेकर हुई है चर्चा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा करेंगे पदभार ग्रहण। प्रचार समिति अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी करेंगे पदभार ग्रहण। 21 सितंबर को सदाकत आश्रम में पदभार ग्रहण। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी करेंगे पदभार ग्रहण। तीन तलाक पर अध्यादेश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। फैसले से खुश नहीं है जदयू। आरसीपी सिंह बोले, सभी से बात कर हो फैसला। सदन में विधेयक आने पर अपनी बात रखेगी जदयू। सुप्रीम कोर्ट में टल गई समान वेतन मामले पर सुनवाई। अब 25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों का है मामला। अब अपने अंतिम स्टेज पर है सुनवाई। मुहर्रम को लेकर बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर। मुहर्रम में डीजे पर रहेगी पाबंदी। बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। गृह सचिव आमिर सुबहानी ने दी जानकारी। 12 जिले को किया गया अति संवेदनशील घोषित। गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीवान, भागलपुर, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, कटिहार, औरंगाबाद, अरवल, जमुई में होगी विशेष सतर्कता। दारोगा बहाली मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। गुरुवार को भी जारी रहेगी सुनवाई। रिजल्ट में गड़बड़ियों पर दाखिल हुई है याचिका। कोर्ट ने अंतिम परिणाम प्रकाशन पर लगाई है रोक। गोपालगंज में फिसली मंत्री संतोष निराला की जबान। जदयू नेता की हत्या के बाद गए थे शोक जताने। बोले, होती रहती है ऐसी घटनाएं। फिर बात संभाल कर कहा, जल्दी पकड़ेंगे हत्यारों को। पटना में हम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष विशन पटेल समेत कई नेता रहे मौजूद। प्रदर्शन में भिड़े पुलिस और हम कार्यकर्ता। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में बिहार को शानदार सफलता। पहले ही मैच में नागालैंड को 8 विकेट से हराया। गुजरात के आनंद में बिहार और नागालैंड के बीच हुआ मैच। दशक भर बाद बीसीसीआई के टूर्नामेंट में उतरी है टीम। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप बने रहिए लाइव सिटीज डॉट इन के साथ। नमस्कार।